हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बीएड सीट एग्जामिनेशन के बारे में, जिसका कि नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का डेट भी यहाँ पे जारी किया गया है। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, सारी डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे की जानकारी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग डेट यहाँ पे रखा गया कि 11 अप्रैल 2021 से लेकर के आप इसमें 7 मई 2021 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एडिट एंड लास्ट डेट ऑफ पेमेंट की बात करें तो 11 और 12 मई 2021 रखा गया है। पेमेंट ऑफ फी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पे 1000 रुपये एप्लीकेशन फी लगने वाले हैं। बीसी है, ईडब्ल्यूएस है, वुमेन कैटेगरी से है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो आपको 750 रुपये एप्लीकेशन फी देने होंगे। एससी एसटी कैंडिडेट को 500 रुपये एप्लीकेशन फी है। पेमेंट मोड आप यहाँ पे ऑनलाइन वे में पे कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट की बात कर लेते हैं तो कब कब आपका एग्जाम होगा, कौन कौन से इंपोर्टेंट डेट है। तो एडमिट कार्ड आपका इश्यू होगा 25 मई 2021 को, डेट ऑफ एंट्रांस टेस्ट यहाँ पे दिया गया कि 30 मई 2021 को, और यहाँ पे आंसर की जो अपलोड होगा 1 जून 2021 को, और यहाँ पे रिजल्ट जो है आपका 11 जून 2021 को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो चलिए इसके प्रोस्पेक्टस पे चलते हैं, वहाँ से सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रोस्पेक्टस आपको देखने को मिल जाता है जो कि कंबाइंड एंट्रांस टेस्ट फॉर बीएड 2021 प्रोग्राम के लिए, जो कि आपका 2 ईयर बीएड या फिर शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम यहाँ पे ऑल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार के लिए निकाला गया है। यहाँ पे बाकी डिटेल जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन जो है आपका 16 पेज का है, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके डिटेल में इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसमें जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी दिए गए उस पर चलते हैं, वहाँ से सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन जान लीजिए कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उसको आप यहाँ पे रीड कर लेंगे कि किस साइट में आपको फोटोग्राफ्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्स दिए गए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको किस साइट में यहाँ पे अपलोड करने होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया कि बैचलर्स डिग्री यानी कि ग्रेजुएट आप हैं 50% मार्क्स के साथ तो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर मास्टर्स डिग्री आपके पास है तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप बी बी टेक की डिग्री आपने किया हुआ है विथ स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विथ 55% मार्क्स के साथ तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपका ग्रेजुएशन यानी कि कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, कोई भी मास्टर्स डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, बी बी टेक वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 साल का यह बी एड का प्रोग्राम होने वाला है, जो कि बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटीज है उसमें आपका एडमिशन यहाँ पे होगा इसके थ्रू। तो इस टेस्ट के थ्रू आपका एडमिशन होने वाला है, और शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा भी यहाँ पे होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए बीए आपका होना चाहिए, जो कि आपका संस्कृत मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए, 50% मार्क्स के साथ, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल यहाँ पे चेक इसके बारे में कर सकते हैं। आगे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दी गई कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होगा जो कि रजिस्ट्रेशन आपको करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को कम्प्लीट करना है, और अपने पास जो है प्रिंट जो है आपका फी पेमेंट और यहाँ पे हार्ड कॉपी को अपने पास सुरक्षित रख लेना है। यहाँ पे पंजीयन किस तरह से यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरह से करेंगे उसका प्रोसेस दिया गया है, इस प्रोसेस को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं क्या क्या आपको यहाँ पे लगने वाला है। और आगे डिटेल जानकारी सेकेंड स्टेप में दिया गया है कि किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे कम्प्लीट करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या आपको लगने वाला है इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। और तीसरा स्टेप है कि आपका फी पेमेंट यहाँ पे करना होगा, इसके बारे में दिया कि इस तरह यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस आप ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड चेक कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना यहाँ पे नेशनलिटी के बारे में, बिहार के मूल निवासी या डोमिसाइल के बारे में, कैटेगरी के बारे में यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे बाकी डिटेल आपको जानकारी दी गई है, तो इसको डाउनलोड करके आप डिटेल में इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर भी आप 3 यहाँ पे चूज कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। 3 एग्जामिनेशन सेंटर आपको यहाँ पे फिल करना होगा, और यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ कहाँ आपका एग्जाम किस शहर में होने वाला है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है उसके बारे में। यहाँ पे एंट्रांस टेस्ट फी के बारे में दिया गया, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया, तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं, जब भी इसका जो प्रवेश पत्र आ जाएगा। उसके बाद पैटर्न ऑफ एंट्रांस एग्जाम की बात करते हैं, तो आप 120 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, 120 मार्क्स का रहेगा। और यहाँ पे OMR बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा, देख सकते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाएंगे। तो जनरल इंग्लिश कम्प्रीहेंशन रहेगा बी एड प्रोग्राम के लिए, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। जनरल संस्कृत कम्प्रीहेंशन रहेगा जो कि शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम के लिए है, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए। जनरल हिंदी आपका 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। और यहाँ पे जो आपका टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट इन स्कूल में आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के से रिलेटेड रहने वाले हैं। आगे यहाँ पे डिटेल जानकारी की दिया गया है कि क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम आपको
आपको कम से कम लाने होंगे 35% अगर आप ऑनरीच आउट में हैं। बाकी कैटेगरी से आते हैं SC ST BC EBC WBC, इसी तरह से दिव्यांग कैटेगरी से, तो 30% यहाँ पे स्कोर आपको करना होगा मिनिमम। तो दोस्तों इसमें अप्लाई करने के लिए सिंपली अप्लाई नाउ का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस पर क्लिक करेंगे, आप इस पेज पर आएंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको न्यू यूजर अकाउंट रजिस्ट्रेशन करना है और इसके बाद यूजर नेम पासवर्ड आपको मिल जाएगा, कैप्चा डाल करके लॉग इन करके अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो आज के अपडेट में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।